आने आदि विदो हम दिल से कहेंगे आजादी 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 हम लेके रहेंगे आजादी 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 हम लेके रहेंगे आजादी 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 हम लेके रहेंगे आजादी I've been coming to this department as a visiting faculty for quite some time, and I have been to many universities as a student, as a visiting faculty, as a member of the journalist community. But this department is one of the unique due to the fact that it is not only providing the academic knowledge but also providing a complete like a technical education to the students. So the graduates have the knowledge of camera, have the knowledge of editing, studio work, all the practical knowledge they need for a journalist, for a media person, as a media graduate. They are having a very good knowledge over here. The facilities provided by the department, their own TV studio, their own radio channel, their own media lab, editing lab, they are fantastic. So that is why I think that this department is unique and providing up to the mark facilities to produce good graduates. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट शुमायला और आप सबको पिंक लेडी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन के दूसरे सेशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाजरीन, आपको बताते चलूं कि ये प्रोग्राम इस वक्त बराहे रास्त नशर किया जा रहा है ज़ेबस यूनिवर्सिटी के टीवी स्टूडियो से, जो कि वाकई है मीडिया डिपार्टमेंट में। इसके अलावा ये प्रोग्राम नशर किया जा रहा है ज़ेबस यूनिवर्सिटी FM रेडियो स्टेशन FM 106.6 से, आप इसको सुन भी सकते हैं। और इसके साथ साथ शिफा फाउंडेशन के फेसबुक पेज पर भी लाइव आप हमें देख पा रहे हैं, और edutv.hc.gov.pk पे ये प्रोग्राम जो है वो खासतौर पर नशर किया जा रहा है। और तमाम ऑर्गेनाइजेशन की कोलैबोरेशन से हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन के ऊपर, और ये क्यों जरूरी है इस पर बात करना, इस बारे में भी हम जानेंगे। जल्दी से तारुफ कराते चलूं हमारे आज के मेहमान का। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजहर शफी, ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं और ये हेमाटोलॉजिस्ट भी हैं। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यू वेलकम सर। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि पाकिस्तान में अगर देखा जाता है तो ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर काम हो रहा है, और जिस तरह से शिफा फाउंडेशन ने ये स्टार्ट किए कैंपेन, इस तरह से लोगों को और भी अवेयरनेस प्रोवाइड करने का ये एक मौका फराहम किया गया, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। अक्टूबर का महीना, जैसे आप जानती हैं कि वर्ल्ड ओवर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है, क्योंकि खवातीन में जो इस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर, जो कि अर्ली डिटेक्शन से जिसका कर सकते हैं। अब जो ओवरऑल अगर आप एशिया और फिर पाकिस्तान की अगर आप सूरत हाल लें, तो प्रोबेबली पाकिस्तान में इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एशिया में सबसे ज्यादा है। उसकी एक वजह ये भी है कि यहाँ पे हमारे यहाँ ओवरऑल डिटेक्शन काफी लेट स्टेज पे होती है, सही, और जो ट्रीटमेंट है उसके आउटकम है वो स्टेज डिपेंडेंट है। तो एक मकसद ये भी है अवेयरनेस कैंपेन का कि आप ब्रेस्ट कैंसर, जो कि 1 in 9 खवातीन को हो सकता है, 1 in 9 खवातीन को हो सकता है, सही, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा आप आगही दे सकें। सही व्यूवर्स, आपको बताते चलूं कि ज़ेबस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की टीवी स्टूडियो से हम बराह रास्त इस वक्त लाइव आपके साथ मौजूद हैं, और हमेशा की तरह हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आते हैं, लेकिन इस बार शिफा फाउंडेशन की कोलैबोरेशन के साथ हम बात करेंगे बहुत ही अहम मौजू के ऊपर, जो है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। आमतौर पर खवातीन में देखा जाए तो बहुत कम ऐसी खवातीन है हमारी सोसाइटी में जो कि इस्तफादा हासिल करती हैं इस तरह की इंफॉर्मेशन का, तो HSC और जो शिफा फाउंडेशन है इन कोलैबोरेशन
के तहत ये अवेयरनेस का जो सेशंस है वो खासतौर पर आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, और इसके साथ साथ आप लोग अपनी क्वेरीज भी, अपने सवालात भी शामिल कर सकते हैं। लास्ट सेशन में भी हम लोग इसी के ऊपर बात कर रहे थे, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन अक्टूबर का मंथ जो है वो तजवीज़ किया गया है खासतौर पर इस बारे में बात करने के लिए। और जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि शिफा इंटरनेशनल और भी इस तरह की कैंपेन्स लॉन्च करता हुआ नजर आता है, तो ये भी एक उसी कैंपेन का एक हिस्सा है कि हम उन खवातीन को नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं जो इस मुखलिक, जो ये बहुत ही स्वेयर डिजीज है, इसके ऊपर जो है बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हम लोग आज जो है वो इस प्रोग्राम में इस बारे में भी बात करेंगे, और साथ साथ आप लोगों की क्वेरीज जो है वो ज़ाबस यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेज के जरिए से भी हमें मौसूल हो रही है, और साथ साथ हमारा जो FM का पेज है उसके ऊपर भी आप हमें बराह रास्त देख पा रहे हैं और साथ साथ सुन भी पा रहे हैं FM 106.6 फ्रिक्वेंसी पे। तो डॉक्टर साहब से हमारी बात हो रही है। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली है क्या, क्या ये किस तरह से ये डायग्नोज होता है, तो ये ट्रीटेबल है या नहीं? जी, कैंसर या सरतान का जो लफ्ज है बुनियादी तौर पे कि मैलिग्नेंट ग्रोथ है, कैसी ग्रोथ जिसमें पोटेंशियल ये हो कि वो अपना टिश्यू को छोड़ के बाकी टिश्यू में जा सके या उसमें थ्राइव कर सके, जैसे ब्रेस्ट के अलावा दिमाग, बोन, हड्डियां। ये कैंसर के कुछ मतलब हम बुनियादी तौर पर इससे कहते हैं बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि उसकी ग्रोथ काबू में नहीं होती, ज्यादा होती है, बढ़ती है, लोकल टिश्यूज को इन्वॉल्व करती है और उसके अलावा लोकल को छोड़ के बाकी जिसमें भी हो सकती है। तशखीस कैसे करते हैं इसकी? बुनियादी तौर पे तशखीस बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो ये कि खुद एहसास होना चाहिए कि गिल्टी ब्रेस्ट यानी ब्रेस्ट में या बगल में कोई गिल्टी निपल डिस्चार्ज या कोई भी ऐसी अनयूजुअल चेंज है, उसको डिटेक्ट की कैसे किया जाए। जैसे जिसके लिए हम इनकरेज करते हैं कि ब्रेस्ट सेल्फ पल्पेशन करें महीने में एक बार, उसके लिए एजुकेट करें। डायग्नोसिस आपने डायग्नोसिस से ज्यादा के क्या ट्रीटेबल है? जी बिल्कुल, जो ब्रेस्ट कैंसर कन्फाइंड है, चाहे वो ब्रेस्ट या बगल तक कन्फाइंड है, उसका बिल्कुल इलाज किया जा सकता है और बिल्कुल उसको ट्रीट किया जा सकता है मॉडर्न ट्रीटमेंट। सही डॉक्टर साहब, जैसे कि आप इस फील्ड में जो है वो एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो आपको विजिट करते हैं, तो सबसे ज्यादा क्यूरीज क्या आती है खवातीन की तरफ से ज्यादातर? सबसे ज्यादा क्यूरीज तो सबसे ज्यादा जो क्यूरीज हैं वो तो ये कि मसलन के क्या, पहली बात कि क्या छाती में बनने वाली तमाम गिल्टियां कैंसर होती हैं या नहीं। जी, एक इसका मैं जवाब दूंगा कि अक्सर गिल्टियां कैंसर नहीं होती। सही, उसके लिए फिर आप डिसाइड कैसे करते हैं? तो डिसाइड आप करते हैं एक सिंपल टेक्निक जिसे मैमोग्राफी। मैमोग्राफी क्या है? एक स्पेशल सीक्वेंस ऑफ एक्सरेज है जिसको आजकल मॉडर्न टेक्निक से करते हैं, और उस पर देखते हैं कि गिल्टी की शुबाहत कैसी है, ये इसकी शक्ल कैसे लग रही है, और उसको एक सीजन एक तजर्बेकार रेडियोलॉजिस्ट जज करती हैं यूजली कि, और उसके मुताबिक उसमें जितना सस्पिशन पाया जाता है सारी गिल्टियों को भी बायोप्सी नहीं करते। ठीक है, कुछ ऐसा है कि जिसके लिए हम फॉलो अप पे रख लेते हैं कि आप बाद में आए। जैसे यंग खवातीन हैं जिनमें सिस्ट होती हैं मुख्तलिफ तरह की, एक मैमोग्राफी और दूसरा अल्ट्रासाउंड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप अक्सर ये डिसाइड कर सकते हैं कि अभी बायोप्सी करनी चाहिए या नहीं, और अल्टीमेटली आपको जो हिस्टोलॉजिकल या जो तशखीस है वो तो बायोप्सी से ही होती है। सही, एक ये कि क्या हम सारी की सारी गिल्टियों की बायोप्सी कर देते हैं? नहीं, जिसपे शक होता है, और उसका एक पूरा क्राइटेरिया है कि कैटेगरी वाइज कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। फिर और बहुत सारी क्यूरीज हैं इससे रिलेटेड के इलाज के बारे में कि क्या इलाज कैसे किया जाए, कैसे और इलाज तशखीस और उससे मिलती जुलती जो क्यूरीज है। सही सर, हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन को आप सिम्टम्स के बारे में बताएं, क्या कॉजेज हो सकते हैं सबसे ज्यादा जिसके चांसेस हैं कि वाकई में फिर ये ब्रेस्ट कैंसर जो है वो उनके अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं। देखिए, जो सबसे पहले तो इलामात है, यानी इलामात क्या है? इलामात जो अर्ली इलामत है वो तो छाती के अंदर गिल्टी का नमूदार होना जो पहले नहीं थी, या साइज में बढ़ रही है, एक। दूसरा
निपल या उससे सराउंडिंग एरिया जिसको हम अरियोला कहते हैं जो कि पिगमेंटेड होता है, उसकी शबाहत में चेंज आना, या एबनॉर्मल निपल डिस्चार्ज, या जो ब्रेस्ट की जाहरी शक्लो सूरत है उसमें चेंज आना, स्किन का अंदर हो जाना, सही, बगल में गिल्टी का नमूदार हो जाना, ये तो बेसिकली इलामात हैं। मगर ये इलामात होनी जरूरी नहीं है, यानी बिल्कुल, यानी कॉन्सेप्ट क्या है स्क्रीनिंग मेमोग्राफी का 40 साल के बाद, जो कि दुनिया के सारे डेवलप मुल्कों में अभी हो रहा है, कि जरूरी नहीं है कि कोई भी इलामत मौजूद हो, खासतौर पे वो ख्वातीन जिनके डेंस ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट टिश्यू ज्यादा डेंस होता है ग्लैंडुलर, उसमें हो सकता है कि वो गिल्टी को फील भी ना कर सकें। सही। तो बुनियादी तौर पे इलामात तो यही है, और अनफॉर्चुनेटली अगर अर्ली इलामात नहीं होती तो कुछ लोग एडवांस्ड स्टेज के साथ आते हैं जिसमें अल्सर हो सकते हैं या कुछ, मतलब वो लेट इलामात। सही सर, जिस तरह से आपने बताया कि कॉजेज जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, कि आपने डिटेल में जैसे जिक्र किया, तो हमें ये बताया कि स्टेजेस क्या है, किस स्टेज में जो है वो आपको जरूरी है कि आप स्क्रीनिंग करवा लें, क्या वो फर्स्ट स्टेज है, या वैसे अगर आपको सिम्टम नजर आते हैं तो आप जाके इसकी स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। देखिए, स्क्रीनिंग का जो अभी तक हमारे पास एविडेंस है दुनिया में, वो तो ये है कि आइडियली हम दो तरह से करते हैं। एसिम्प्टोमैटिक, जिसको कोई सिम्टम्स नहीं 40 साल के बाद, सही, 40 साल से पहले क्यों नहीं करते, क्योंकि ब्रेस्ट की टिश्यू की डेंसिटी इतनी होती है कि उसमें मेमोग्राफी का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। 40 साल से कम में किसी भी खातून को, से उम्र 32 साल भी है, जो इलामात मैंने बताई हैं अगर वो जाहिर होती हैं, तो फिर एटलीस्ट मेमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड करवाने की बिल्कुल जरूरत है। सही। और खास तौर पे उन ख्वातीन को जिनको, जिनकी फैमिली में जैसे माँ बहन, उनको ये हो चुका है, क्योंकि उनमें एक टेंडेंसी है कि एक जेनेटिक कंपोनेंट है, जो कि 10% ख्वातीन में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकती है। सही। कॉजेज का जैसे आपने जिक्र किया था, तो ब्रेस्ट कैंसर की कॉज में जो जेनेटिक कंपोनेंट है वो 10% है, मगर इन ख्वातीन को अर्ली एज पे हो सकता है, बायोलेटरल हो सकता है, दोनों तरफ यानी हो सकता है, और साथ ओवेरियन भी हो सकता है, तो इनको ज्यादा इंटेंस स्क्रीनिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है। बाकी मतलब जो ओवरऑल जो मैसेज है वो ये है कि 40 से बाद साल में एक बार स्क्रीनिंग मेमोग्राफी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। जैसे कि डॉक्टर साहब ने जिक्र किया है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम जो है वो नजर आए, खवातीन खासतौर पे जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं हमें, उनको मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप मस्ट जो है वो अपनी स्क्रीनिंग करवाएं अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम नजर आता है। और इस बारे में हम मजीद भी डिटेल में बात करेंगे, लास्ट सेशन में भी हमने डिटेल में जिक्र किया था, लेकिन आज भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं उन खवातीन के लिए जो आज हमें ज्वाइन कर रही है पहली बार। और इसके साथ साथ जो है हम ये भी जानेंगे, डॉक्टर साहब आप जैसे शिफा इंटरनेशनल से आपका ताल्लुक है, तो हमें बताइए कि COVID-19 की सिचुएशन को देखते हुए क्या प्रोसीजर है, किस तरह से स्क्रीनिंग करवाई जा रही है, आया उनको वैक्सीनेटेड होना चाहिए या फिर उसके बगैर भी हो रही है स्क्रीनिंग? यानी मेमोग्राफी टेस्ट के लिए क्या वैक्सीनेटेड होना जरूरी है? जी, आइडियली तो वैक्सीनेटेड होना चाहिए, क्योंकि अभी काफी ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। ठीक है। और उसके लिए PCR टेस्ट करना जरूरी नहीं है, मगर ये कि बेहतर है कि अक्सर खवातीन अपने आप को वैक्सीनेट करवा करवा। खासतौर पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि जिनका इलाज हो रहा है खासतौर पे, उनको वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। सही। ये मिथ है या मिसकंसेप्शन कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जिनका इलाज भी चल रहा है, अभी रिकमेंडेशन ये हैं, बल्कि NCCN जो अमेरिकन बॉडी ऑफ कैंसर केयर है, नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क, उसकी अभी तक रिकमेंडेशन ये है कि कैंसर पेशेंट्स में भी आपको वैक्सीनेशन बाकायदगी से करनी चाहिए, उनमें रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन ज्यादा नहीं है। सही, बिल्कुल करवानी चाहिए। जी सर, आमतौर पे ये देखा जाता है ना कि अगर आप किसी और डिजीज में मुब्तला है, जैसे कि एक वायरल भी होता है, आप नॉर्मली अगर आपको फीवर है या कफ है या कुछ भी है, तो आप वैक्सीन से जरा दूर भागते हैं कि कोविड की वैक्सीन है तो उससे आपको मजीद जो है वो खराब भी होगी। तो ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से वैक्सीन जो है वो बिल्कुल एक अलग प्रोसीजर है, और अगर आप किसी डिजीज में मुब्तला है तो उसका एक प्रोसीजर अलग है, वो किस तरह से डायग्नोज होती है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसकी मेडिसिन अलग है, तो ये सारी चीजें अलग है। सर, रूरल एरियाज में जो हमारी खवातीन है, जैसे हम ब्रेस्ट कैंसर की बात भी कर रहे हैं, तो उनको नोहाव नहीं है, नॉलेज नहीं है, वहां तक ये मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रूरल एरियाज में एक तो नॉट श्योर मीडिया की एक्सेस कितनी है, या
कितने पाकिस्तान के इलाके हैं कि जिसमें ये सारे मैसेजेस जा सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है स्कूल लेवल पे या सम ऑफ द अदर जो रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं उसके थ्रू होना चाहिए। उसमें जो एक बड़ा मसला क्या है हमारे यहाँ लेट डिटेक्शन की वजह क्या है, वो सोशल टैबूज हैं। सोशल टैबूज ये हैं कि अक्सर खवातीन ना सिर्फ महीने सालों तक जिक्र ही नहीं करती इस इंफॉर्मेशन का कि ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, नाजुक मसला है, क्योंकि छाती में कोई गिल्टी है। तो वो अक्सर ये देखा गया कि एक तो ये कि काफी अर्से तक बिल्कुल किसी से कोई जिक्र ही नहीं किया जाता कि उसका कोई तशखीसी टेस्ट करें, मेमोग्राफी करें या अल्ट्रासाउंड करें, और अगर इस तरह का कोई टेस्ट कर भी लेते हैं तो फिर जो इसका एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, एक मुरवज इलाज है जिसमें सर्जरी है, रेडिएशन है या फॉर दैट मैटर कीमो या हार्मोनल थेरेपी है, उसकी बजाय अल्टरनेट मेडिसिन पे चले जाते हैं हमारे बहुत सारे पेशेंट्स, और सालों तक, महीने नहीं सालों तक। और उसका एक नुकसान ये हो सकता है कि आप स्टेज फोर के साथ जब आते हैं या फैला हुआ कैंसर जिसे हम कहते हैं कि अपनी जगह को छोड़ के किसी और जगह चला गया, जैसे ब्रेस्ट कैंसर जिगर में चला गया, तो वो फिर बाय स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्यूरेबल नहीं होता। तो मेरा ख्याल में रूरल एरियाज के लिए तो जरूरी है कि हुकूमती सतह पे जैसे ये टाउन कमेटीज हैं, जैसे बाकी इदारे हैं, ये इस तरह के छोटे छोटे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि मीडिया की इवन पेनिट्रेशन भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी होगी। सही, क्योंकि वो एक्सेस जो है वो उन तक पहुंचना मुश्किल है कि वो इंटरनेट को यूज करती हैं या फिर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो ज्यादा मिथ्स बहुत ज्यादा हैं जिसपे वो बिलीव कर रही है। अभी भी अगर हमारी सोसाइटी में देखा जाए तो ना सिर्फ बल्कि रूरल एरियाज की बल्कि हमारे जो अर्बन एरियाज है वहां पर भी मिथ्स को कंसिडर किया जा रहा है अभी भी, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना ज्यादा जो है वो हमारी सोसाइटी में आम है। वेल डॉक्टर साहब, अब एक और चीज पे बात करेंगे, जैसे कि आपने एज की भी बात की है, तो हमें ये बताइए कि स्टेजेस जो है फर्स्ट स्टेज के में अगर आपको पता चल जाता है कि डायग्नोज आपने हो गई है, इसके सिम्टम्स है, उसके बाद अगर स्टेज ज्यादा भी हो जाती है तो उसका क्या प्रोसीजर है? जैसे आपने कहा कि वो ट्रीटेबल नहीं है, मतलब उसका फिर कोई और सोल्यूशन है, तो वो हम जानना चाहेंगे कि उस केस में क्या रिस्क फैक्टर है। देखिए, एक तो क्यूरेबल, पोटेंशियली क्यूरेबल ब्रेस्ट कैंसर है जिसको आप बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, स्टेज वन टू। स्टेज थ्री लोकली एडवांस्ड हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि या साइज बहुत बड़ा है या बगल में बहुत ज्यादा गिल्टी है, मगर वो भी टेक्निकली क्यूरेबल है। जो और इनको मुख्तलिफ मोडालिटी से, जिसमें सर्जरी है, आप सर्जरी तो सारे पेशेंट्स का करते हैं, फिर कुछ पेशेंट्स को रेडिएशन दी जाती है और कीमोथेरेपी। यानी ब्रेस्ट कैंसर का ये समझना जरूरी है कि एक बीमारी नहीं है, इसके बहुत सारे बायोलॉजिकल सब टाइप्स हैं। जैसे इंसान है तो इंसानों के बहुत सारे बायोलॉजिकल मुख्तलिफ हैं, सारे लोग डाइवर्स हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर डाइवर्स मर्ज है जिसकी एग्रेसिवनेस भी मुख्तलिफ है, यानी मुख्तलिफ लोगों में बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है। जो स्टेज फोर है, जैसे आपने कहा कि कोई पेशेंट इस तरह आते हैं कि उनका अर्ली स्टेज नहीं है, पहले से ही आप डिटेक्ट करते हैं कि हड्डियों में या जिगर में है, तो उनके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है? टेक्निकली स्पीकिंग तो वो क्योरेबल नहीं है, मगर मुख्तलिफ तरह की दवाइयों से, जैसे अगर हार्मोन सेंसिटिव है तो एक एंटी हार्मोनल दवाइयां हैं या कीमोथेरेपी है या मुख्तलिफ चीजें, उससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ या सर्वाइवल तो बहुत बेहतर किया जा सकता है। सही। मगर पूरा जो अवेयरनेस कैंपेन का एम्फेसिस यही है कि उसी स्टेज पे आप डिटेक्ट कर सकें जिसमें इलाज का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है। तो इलाज का इम्पैक्ट डायरेक्टली स्टेज रिलेटेड है, जैसे सबसे अच्छा आउटकम स्टेज वन का होगा, और स्टेज आप डिटरमिन करते हैं कि ट्यूमर साइज क्या है, नंबर ऑफ नोड्स यानी गिल्टियां कितनी इन्वॉल्व है, बगल में हैं भी या नहीं। तो स्टेज आप जैसे ज्यादा करते हैं वो ट्रीटमेंट आउटकम भी कमजोर होता है। बिल्कुल सही। सर, अगर हम देखते हैं कि ग्लोबली देखा जाए तो 50% जो हमारी विमेन है वो इसका शिकार है ब्रेस्ट कैंसर का, पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं, क्या रेशो है, क्योंकि आप पेशेंट्स को डील भी करते हैं, तो इन चंद सालों में कितना जो है वो इंक्रीज आया है इसके रेशो में? मेरे पास अभी मोस्ट करंट स्टेटिस्टिक्स तो नहीं है, मगर हर साल तशखीस होने वाली खवातीन की तादाद डेफिनेटली 30,000 से तो ज्यादा है, और हर साल बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी वजह यह कि हमारी अब इमेजिंग टेक्निक, एक्सेस टू हेल्थ केयर भी बढ़ रही है, और इस वन ऑफ द मोस्ट 30,000 पाकिस्तान ज्यादा है, ज्यादा इससे भी ज्यादा है और बढ़ रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स।
सर, अब हम ट्रीटमेंट के ऊपर भी बात करते हैं कि हमने बीमारी का तो जिक्र कर लिया, लेकिन ट्रीटमेंट प्रोसीजर क्या है? जिस तरह से आपने बताया कि फर्स्ट स्टेज में हम लोग जो है वो एक स्क्रीनिंग की जाती है और उसके बाद आप पता लगाते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो ट्रीटमेंट की टेक्नोलॉजी है उसमें भी एडवांसमेंट की बहुत ज़रूरत है, तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से ये ट्रीटेबल है, क्या ट्रीटमेंट प्रोसीजर है? तो पहला तो ये जो तीन मोडालिटीज का मैंने जिक्र किया, ऑपरेशन, सर्जरी जो कि कॉमन है कि आपने काल दें, रेडिएशन और कीमोथेरेपी या हार्मोनल थेरेपी, तो सब मरीजों को सारी मोडालिटीज की जरूरत नहीं होती, यानी इलाज आपको टेलर मेड करना पड़ता है। हाँ जी। उसमें ये मैं बता दूं कि ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट की दो टाइप्स हैं, एक है लोकल ट्रीटमेंट जो कि बेसिकली ब्रेस्ट और बगल को एड्रेस करती है, जिसमें सर्जरी है, यानी सर्जरी तो टेक्निकली स्पीकिंग हर पेशेंट को चाहिए, चाहे वो पूरा ब्रेस्ट निकालना हो जिसको हम MRM कहते हैं, मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी, या अगर मुमकिन हो तो सिर्फ लंप यानी गिल्टी को ही निकाला जाए जिसको टेक्निकली लंपेक्टमी कहते हैं। ये तो सारे पेशेंट्स को चाहिए, सवाए उन पेशेंट्स के जिनके आप सर्जरी कर नहीं सकते कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, यानी उम्र ही बहुत ज्यादा है या कोई इतने ज्यादा कॉमॉर्बिडिटीज हैं या पेशेंट खुद नहीं करवाना चाहता। ठीक है। उसके बाद आ गई बात रेडिएशन की। रेडिएशन उन पेशेंट्स को चाहिए जिनकी सिर्फ लंपेक्टमी की गई है, यानी उनको तो या बगल में गिल्टियां ज्यादा हैं उनको रेडिएशन चाहिए, और कीमोथेरेपी भी जनरली स्पीकिंग जिनका ट्यूमर साइज ज्यादा हो, नोड इन्वॉल्व हो, उनको चाहिए। यानी ओवरऑल आपका जो आपने जो एडवांसमेंट का जिक्र किया, जो ओवरऑल रिफाइनमेंट इन डायग्नोसिस हुई है वो है कि बायोलॉजी समझने में, कि ब्रेस्ट कैंसर की आप बायोलॉजी समझ सकें। बहुत अरसा पहले सिर्फ कॉन्सेप्ट था कि आप सिर्फ सर्जरी से इलाज करते थे, मॉडर्न कीमोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी से की इतनी आगही नहीं थी, तो वक्त गुजरने के साथ ये पता चला कि ब्रेस्ट कैंसर की ग्रोथ हार्मोन डिपेंडेंट है, जैसे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, तो आप उसको ब्लॉक कर दें तो रिग्रेशन होगी। तो जब ये अंडरस्टैंडिंग हुई है तो जो सिस्टमिक थेरेपी है उसकी तरफ एम्फेसिस ज्यादा हुआ है। सर्जरी तो ब्रेस्ट की बहुत अरसा पहले से हो रही थी, मगर अब एक मॉडर्न आप कह रही हैं कि क्या अंडरस्टैंडिंग में फर्क पड़ा है, तो ये फर्क पड़ा है कि आप अगर मुमकिन हो सिर्फ लंपेक्टमी करें सिर्फ, या पूरा ब्रेस्ट निकालें, आउटकम एक ही है अगर टेक्निकली करना मुमकिन हो। एक तो अभी ज्यादातर पेशेंट्स की लंपेक्टमी की जाती है अगर करना मुमकिन हो, और दूसरा ये कि उनकी जो मॉलिक्यूलर सब टाइप्स हैं, जैसे अब आप ब्रेस्ट की बायोप्सी करते हैं तो उसमें एक पैनल करते हैं जिसमें ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, हार्टिन्यू करते हैं, तो उससे उसकी एग्रेसिवनेस का पता चलता है, तो आप उस एतबार से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो यानी रिफाइनमेंट इन ट्रीटमेंट हुई है फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स। सही। सर, हमें एक क्वेश्चन जो है वो मौसूल हुआ है और ये पूछना ही चाह रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग इनका क्वेश्चन है कि आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं ट्रीटमेंट के, एक दफा ट्रीटमेंट जब हो जाता है तो उसके बाद जो है वो क्या आफ्टर इफेक्ट्स है, कोई बीमारी में मुबतला हो जाते हैं, वही मिथ्स अगेन जो है लोगों के माइंड में जो होती है। देखिए, मेरा ख्याल है ये पूछना चाहती हैं कि रिकरेंस के चांसेस कितने हैं। जी जी। अच्छा, अगेन रिकरेंस के चांसेस जो है ना वो स्टेज और बायोलॉजी डिपेंडेंट है। सही। यानी आप जितना अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करते हैं और लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व नहीं है जी, और ट्यूमर की बायोलॉजी एग्रेसिव नहीं है, तो उसकी रिकरेंस के चांसेस उतने ही कम है। सही। और दूसरा, रिकरेंस के चांसेस इस पे भी डिपेंड करते हैं कि ये ट्यूमर हार्मोन यानी एक्सप्रेसिव है, रिसेप्टर्स हार्मोन, सादा अल्फाज में कह लें कि हार्मोन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस पे ज्यादा डिपेंड करता है। जी। डॉक्टर साहब से हमारी बात हो ही रही है, व्यूवर्स आपको अगेन बताते चलूं, आज हम बात कर रहे हैं पिंक लेडी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन के ऊपर जो कि तजवीज की गई शिफा फाउंडेशन की तरफ से, और आप हमें बराह रास्त देख रहे हैं इस वक्त लाइव सेशन के थ्रू ज़ायबस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की टीवी स्टूडियो से हम बराह रास्त हैं। इसके अलावा आप हमें EDU TV के ऊपर भी बराह रास्त देख रहे हैं, जिसका URL है edutv.hc.gov.pk। इसके अलावा आप हमें ज़ायबस यूनिवर्सिटी के FM रेडियो स्टेशन से भी सुन रहे हैं, ZAB FM 106.2
6.6 के नाम से ही जाना जाता है। हम इस हवाले से बात कर रहे हैं और डॉक्टर अजहर शफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज ऑनकोलॉजिस्ट एंड हेमाटोलॉजिस्ट, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है और हम बात कर रहे हैं। आप लोग अपनी क्वेरीज भी शामिल कर सकते हैं, अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल हैं वो खवातीन जो कि जानना चाहती हैं ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस कैंपेन से रिलेटेड भी, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। शिफा फाउंडेशन की तरफ से ये तजवीज़ की गई जो कैंपेन है वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प भी करी है और आप लोग जाके बाकायदा अपना टेस्ट भी करवा सकते हैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। वो खवातीन जो कि सिम्टम्स जिनको नजर आ रहे हैं या फिर वो उनको कोई ना कोई फेयर है कि उनको लगता है कि कोई ना कोई सिम्टम्स जो है वो उनके अंदर है, तो टेस्ट करा लेना जो है वो बिल्कुल कतन उसमें शाये होने की या इस तरह की कोई चीज़ की बात नहीं है। वेल हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि कैंसर आमतौर पर हम देखा जाता है कि कैंसर की स्टेजेस कुछ कैंसर ऐसे हैं जो कि ज़्यादा प्रोलॉन्ग करते हैं, टाइम ड्यूरेशन क्या है ब्रेस्ट कैंसर का, मतलब फर्स्ट स्टेज से लेकर टिल द एंड स्टेज? जी यानी आप बेसिकली ये क्वेश्चन ये है कि कितनी जल्दी फैलता है। हाँ जी, ब्रेस्ट कैंसर की अगेन ये बायोलॉजी और टाइप डिपेंडेंट है कि क्योंकि इंट्रेंसिकली इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, मगर एवरेज यू कैन से मंथ्स नॉट डेज और वीक्स इट टेक्स। यानी ये नहीं हो सकता कि एक लंप अभी आपने डायग्नोज किया और वो नेक्स्ट मंथ आप तशखीस करें कि वो मेटास्टेटिक, इट टेक्स टाइम। मगर ये कि उसको बगैर सुपरविजन के एग्जैक्टली यानी इस सवाल का जवाब ये होगा कि कुछ ब्रेस्ट कैंसर इनहेरेंटली ज्यादा एग्रेसिव हैं, कुछ डॉर्मेंट हैं, जैसे जो जो ट्रिपल नेगेटिव है जिसमें कोई रिसेप्टर्स पॉजिटिव नहीं होते वो ज्यादा जल्दी से ग्रो करते हैं। सही, मगर ये कि दे गिव यू इनफ टाइम कि आप अपना तशखीस और इलाज करा सकते। सही, इसमें क्या कोई एज फैक्टर भी इन्वॉल्व है? जी, एज फैक्टर की ये बात है कि जो ब्रेस्ट कैंसर के जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें एक तो एज है कि एज जितनी ज्यादा होती है चांसेस बढ़ते हैं लाइक ऑल कैंसर। सही, उसके अलावा जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ खवातीन में वो म्यूटेशंस होती हैं, जैसे आपने ब्रेका का नाम सुना होगा, काफी मशहूर है कि उसमें ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो भी हो सकते हैं। तो एज फैक्टर ये कि यंग खवातीन में कंपैरेटिवली लेस देन 40 में तशखीस मुश्किल होती है क्योंकि ब्रेस्ट डेंस हैं, आपको बहुत अच्छी टेक्निक चाहिए मेमोग्राफी की और अल्ट्रासाउंड की कंबाइन करके। मगर ओवरऑल आपके सवाल का जवाब ये है कि हाँ, जैसे जैसे एज बढ़ती है ब्रेस्ट कैंसर के होने का चांसेस बढ़ते हैं, मगर बायोलॉजिकली दे आर लेस एग्रेसिव, यानी जितनी एज ज्यादा होती है। यंगर खवातीन में बेसिकली दे आर मोर एग्रेसिव इन नेचर। सही व्यूअर्स, हम बढ़ते हैं छोटी से ब्रेक के जानेब और हम इस प्रोग्राम में मजीद भी बातें करेंगे, आप लोगों की क्वेरीज आप लोगों के क्वेश्चन शामिल करेंगे। अभी चलते हैं छोटी सी ब्रेक की जानेब, देखते रहिए ईडीयू टीवी। वेलकम टू ज़ैबिस्ट इस्लामाबाद मीडिया साइंस डिपार्टमेंट। वेलकम टू ज़ैबिस्ट इस्लामाबाद मीडिया साइंस डिपार्टमेंट। वेलकम टू ज़ैबिस्ट इस्लामाबाद मीडिया साइंस डिपार्टमेंट। द डिपार्टमेंट इज फुली इक्विप्ड विद ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज इंक्लूडिंग ग्रीन स्क्रीन, लाइट ग्रिड, डॉली ट्रैक, मास्टर कंट्रोल रूम, media lab, art gallery and FM radio station. The department offers specialization in three streams: 1. film and TV production, 2. advertising strategy and design, 3. journalism. Specialization in film and television production provides hands-on training on documentary making, film production design, screenwriting, visual narration and other related skills. Advertising strategy and design stream offers a variety of courses including advanced animation, advertising design, digital brand communication, brand management and the like. Journalism strand presents TV journalism, fashion journalism, multimedia journalism and news reporting. Teaching and learning methods are inclusive of seminars, webinars, workshops, field trips, presentations, projects, role plays, theoretical applications and initiative discussions. Highly qualified industry personnel train students on emerging media needs and requirements. Furthermore, internships are an important part of degree completion. Want to be an anchor person, journalist, news reporter, camera person, editor, animator, designer, media manager, artist, script writer,
storyteller, photographer, producer or director, come join Zebis Media Department, where you discover yourself and realize your dream. I am Salmeen Ansari. You are to FM 106.6, the campus radio of Zebis Islamabad. Assalamu alaikum, this is Moeed Pirzada. My Zebis University Islamabad campus radio station, Zab FM 106.6. Hi, I'm Fariha Idris. My Zebis University Islamabad campus radio station, Zab FM 106.6. Assalamu alaikum ji, my name is Marvi Sarmad and I'm Zebis University Islamabad campus radio station FM 106.6. My name is Mohsin Raza, I'm editor Nath of 92 HDTV Islamabad. I'm Zebis University Islamabad campus radio station Zab FM 106.6. My name is Nana Jawad, I'm director news and Jio Television and I'm Zebis University Islamabad campus radio station Zab FM 106.6. میں مرتضیٰ سولنگی زابست یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس ریڈیو اسٹیشن آئی ایم لیلا زبیری یو آر ٹیون انٹو زیف ایف ایم 106.6 آئی ایم متی اللہ جان یو آر ٹیون انٹو زیب ایف ایم 106.6 دی کیمپس ریڈیو آف زابست اسلام آباد جی ویلکم بیک ویورز, آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ایڈیو ٹی وی پر, اس کے علاوہ زیبس یونیورسٹی کے ٹی وی اسٹوڈیو سے ہمیں براہ راست, اور بات کر رہے ہیں پنک لیڈی اویئرنیس کیمپین بریسٹ کینسر کے اوپر, اور ڈاکٹر اظہر شفیع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, از انکالوجسٹ اینڈ ہیماٹولوجسٹ فرام شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد. سر ہم بات کر رہے تھے بریسٹ کینسر اویئرنیس کیمپین کے اوپر, آپ نے ڈیٹیل میں جس طرح سے بات کی, اور اس کے علاوہ ٹریٹمنٹ کے اوپر بھی آپ نے ڈیٹیل میں بات کی. تو ایک امپورٹنٹ چیز جو کہ ہماری عوام جاننا چاہتی ہے, ہمارے ویورز, وہ ہے کہ کتنے ایکسپینس جو ہے وہ لگتے ہیں اس پہ. تو ہمارا کوشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ لو کوسٹ ٹریٹمنٹ آپشنز ہمارے پاس کیا ہیں. تھینک یو سو مچ, یہ بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے کیونکہ کاسٹ آف کیئر بہت زیادہ ہے, مگر فارچونیٹلی اب ہمارے ہاں پرائیویٹ سیکٹر کے علاوہ پبلک سیکٹر میں بھی بہت سارے ہاسپٹلز ہیں جو یہ کر رہے ہیں, جس میں اب اٹامک انرجی کمیشن کے ہاسپٹل ہیں, جیسے اب اگر آپ اسلام آباد دیکھ لیں تو نوری ہے, لاہور انمول ہے, یہ بڑے ادارے ہیں جس میں کینسر کا کمپریہنسو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جس میں ریڈیشن بیسڈ ہے, اور بہت سارے گورنمنٹ ہاسپٹلز بھی ہیں جو کہ اس کی ٹریٹمنٹ کو اسپانسر کر رہے ہیں. صحیح, پبلک ہاسپٹل جو ہیں وہ اٹس آئی تھنک اٹس اے گڈ آپشن فار دوز پیپل جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے فائنینشلی, انہیں اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ خواتین جو کہ جانا چاہتی ہیں وہاں پر بھی اسکریننگ اور اسی طرح کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ موجود ہے, اور اچھے ڈاکٹرز ہیں, آپ ان سے چیک اپ کروا سکتے ہیں. پروگرام کا وقت چونکہ شارٹ ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ سے جاتے جاتے ہمیں امپورٹنٹ میسج لینا چاہتے ہیں, ہمارے ویورز کو کیا کہنا چاہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بریسٹ کینسر یا کینسر کی تشخیص سائیکولوجیکلی ایکسیپٹ کرنا کافی مشکل ہے, اور بہت سارے ہمارے پیشنٹس خواتین خاص طور پہ بالکل اس سے جیسے فرار حاصل کر لیتی ہیں کہ الٹرنیٹ ٹریٹمنٹ, یا اس سٹیج پہ آتی ہیں کہ جب آپ علاج نہیں کر سکتے کہ سارا علاج بہت زیادہ پینفل ہوگا. یہ میں بتانا چاہوں گا کہ ماڈرن کیمو تھراپی یا جو علاج میں ریفائنمنٹس ہوئی ہیں اس میں اگر آپ اپنے فزیشین کو اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلیں تو علاج اچھا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہو سکتا ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہو. کچھ سائیڈ افیکٹس تو ہوتے ہیں ضرور, جیسے بالوں کا جھڑ جانا, کم ہو جانا, مگر وہ عارضی ہیں, یعنی اس میں پرماننٹ سائیڈ افیکٹس بہت کم ہیں. جی, تو آپ اگر آپ کی اگر اچھی ریپو ڈیولپ ہو جاتی ہے, آپ اپنی اس پہ فیتھ ہے آپ کا, تو ضروری نہیں ہے کہ سارا سفر بڑا تکلیف دہ ہو, یہ اگر اللہ کا فضل شامل ہو تو بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو سٹینڈرڈ آف کیئر ٹریٹمنٹ ہے وہ ضرور کرانی چاہیے, باقی الٹرنیٹ ٹریٹمنٹ سے میں نے بہت زیادہ منع یا ڈسکریج نہیں کیا, وہ ضرور کریں, مگر یہ بھی ساتھ ساتھ ضرور کروائیے. بالکل, ویل تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اظہر شفیع صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا پروگرام میں اور اتنی امپورٹنٹ ڈسکشن میں ہمارا ساتھ دیا, ونس اگین تھینک یو. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. یو ویلکم. ویورز, آپ نے امید ہے آج کا پروگرام بھی پسند کیا ہوگا, ہمیشہ کی طرح ایک انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ ہم لوگ حاضر ہوتے ہیں, لیکن اب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے.
जाते जाते उन तमाम टीम्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिनकी कोलैबोरेशन के तहत हम हमारी आवाज़ और हमारे ये जो विजुअल्स हैं वो आप तक पहुंच रहे होते हैं। शिफा फाउंडेशन जो है वो उनकी कोलैबोरेशन से ज़ाबिस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की टीम और मीडिया टीम है जिसके सरबराह हैं डॉक्टर वाजिद हुसैन और प्रोडक्शन के जो सरबराह हैं सर नवीदुल्ला हाशमी, इन तमाम टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। शिफा फाउंडेशन से भी हमारी टीम हमारा साथ दे रही होती है और साथ साथ ईडीओ टीवी जिसके जरिए से ये प्रोग्राम नशर किया जा रहा होता है उन तमाम टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी आईटी की टीम जो इस प्रोग्राम को फेसबुक लाइव करने में हमारी मदद कर रही होती है उनका भी बहुत शुक्रिया। तमाम कैमरामैन और तमाम टीम की जानिब से बहुत सारी दुआएं। अपनी होश शुमाला को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। This is one of the most interesting kind of institution या university so far जहाँ पर मेरा लोगों के साथ interact हुआ। एक तो जो students हैं वो बड़े diverse backgrounds के हैं, गिलगित से हैं students, सिंध से हैं students, इस्लामाबाद से हैं, पंजाब से हैं, KP से हैं और फिर tribal district से हैं। तो जो interaction है, मैं खुद इतने सारे मुख्तलिफ cultures के साथ interaction करता हूँ जब मैं class में जा रहा था। फिर ये जो इंस्टीट्यूशन है मीडिया स्टडीज का ज़ाबिस का, इट्सेल्फ इज वेरी डाइवर्स। मैं इसमें जिस तरह के काम हो रहे हैं मैंने और किसी यूनिवर्सिटी में या किसी डिपार्टमेंट में इस तरह के जो न्यू इमर्जिंग चैलेंजेस हैं मीडिया स्टूडेंट्स को उस तरह के नहीं होते देखा। दिस इज वन ऑफ इट्स ओन काइंड इंस्टीट्यूशन ऑफ मीडिया स्टडीज इन पाकिस्तान। और मेरा जो है कम अज कम 3-4 इससे पहले मीडिया स्टडीज के डिपार्टमेंट्स में पढ़ाने का जो है वो मेरा तजर्बा है। और वो जो हम कहते हैं ना कि थ्योरी और प्रैक्टिस का जो कम्बिनेशन होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो यहाँ पे शायद इस डिपार्टमेंट में मीडिया डिपार्टमेंट जो ज़ाबिस का है उसमें शायद ये हो रहा है। और इस एक्सपीरियंस से बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी फायदा उठाना चाहिए।